Happy on the asset social, man. Loyalty over royalty, y'all niggas know the vibes. हेलो व्यूअर्स, आप भी चाहते हैं काइन मास्टर से इस तरह के वीडियो बनाना, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस तरह के वीडियो काइन मास्टर से कैसे बनाया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। काइन मास्टर ओपन कर लेते हैं, उसके बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, रोटेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से एक बैकग्राउंड लेते हैं ब्लैक वाला, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, लिखते हैं आई लव यू, अपने हिसाब से लिखना है दोस्तों, आपका नाम या जो भी लिखना चाहिए आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैं लव यू लिख रहा हूँ, कैपिटल लेटर का लिखना है, इससे क्या होगा अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद टी पॉइंट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों नीचे चले जाते हैं, बोल्ड इटली पर क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों, मिडिल पर कर देते हैं, उसके बाद कलर पर चले जाते हैं, यहाँ से रेड वाला कलर ले लेना है, मैं यहाँ पे रेड कलर ले रहा हूँ क्योंकि रेड कलर देखने में भी अच्छा लगता है, सबकी आंखों में जल्दी से आ जाता है। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, उसके बाद इसको भी बड़ा कर लेते हैं, इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों लेयर पे क्लिक करते हैं, मीडिया पे चले जाते हैं, पहले जो लिया था बैकग्राउंड ब्लैक वाला फिर से वो ले लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, करने बाद दोस्तों साइड पे की वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद जो तो ब्लैक इमेज लिया हूँ उसको थोड़ा आगे करेंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे, इस तरह से दोस्तों पूरा कर लेना है। उसको पूरा कर लेना है शुरू से लेकर खत्म तक, यहाँ से एनिमेशन पूरा लेने के बाद इसको ओके कर लेते हैं, उसके बाद लेयर पे क्लिक करते हैं, मीडिया पे, उसके बाद वीडियो ले लेते हैं यहाँ से दोस्तों, इस वीडियो का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, दोस्तों वीडियो को सही से यहाँ पर फिट करके बैठा देते हैं, उसके बाद नीचे रहते हैं ब्रेडिंग पे क्लिक करते हैं, उसके बाद स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, देख ही सकते हो तो इस तरह से प्ले करने के बाद दिखाई देगा। सही से यहाँ पर बैठा देते हैं इस वीडियो को, सामान से काट लेते हैं, उसके बाद थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं इसको मैच करने के लिए, दोस्तों प्ले करके दिखा रहा हूँ, प्ले करने के बाद दोस्तों इस तरह से दिखाई देगा। दोस्तों इसमें सिर्फ बाकी रहेगा अब गाना लेना, गाना लेने के लिए दोस्तों ऑडियो पे क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक गाना लेते हैं, अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पे गाना ले लेना है, मैं एक गाना लेता हूँ यहाँ से,